आपने देखा या सुना होगा कि मंदिर में पूजा फूलों से होती है, मगर हम आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी पूजा जहां भक्तों के हाथों में फूल की जगह होती है लाठी, और इन्हीं लाठियों से होती है पूजा। जी हां, यूपी के बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में रक्षाबंधन के दिन श्रीनाथ बाबा के मंदिर पर लाखों की संख्या में भक्त अपने अपने हाथों में लाठियां लेकर आते हैं और श्रीनाथ बाबा की करते हैं लाठियों से पूजा और परिक्रमा। दरअसल परंपरा के अनुसार यहां के किसानों पर अंग्रेजी हुकूमत ने जजिया कर लगा दिया था और इस नए जजिया कर से परेशान किसानों ने श्री बाबा ना से जजिया कर से मुक्त कराने का निवेदन कर दिया। तब श्रीनाथ बाबा ने परेशान किसानों को इन्हीं लाठियों के बल पर अंग्रेजों से लड़कर जजिया कर से मुक्त करवाया था। तभी से ये अनोखी लठ पूजा यानी लाठी पूजा यहाँ के सेंगर राजपूतों के लिए परंपरा बन गई। जहाँ हर साल रक्षाबंधन के दिन हजारों गांव के लाखों लोग फूलों की जगह करते आ रहे हैं लाठियों से पूजा। इस पूजा में हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी हिस्सा लेते हैं। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ और सबके हाथों में लाठियां। आप ये दृश्य देख एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कहीं कोई बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, मगर आप चौंकिए मत, ये दृश्य लड़ाई जैसा दिख भले ही रहा है लेकिन वास्तव में ये एक पूजा हो रही है जहां भक्तों के हाथ फूलों की जगह लाठियां हैं। और ये मंदिर श्रीनाथ बाबा का मंदिर है और लाठियों के संग भक्त इसी मंदिर की पूजा के बाद परिक्रमा कर रहे हैं। लठमार भक्तों के अनुसार बलिया के रसड़ा क्षेत्र के महाराजपुर गांव के इस मंदिर पर ऐसी पूजा यहां की चली आ रही वर्षों पुरानी परंपरा है। अंग्रेजी हुकूमत के समय अंग्रेजों ने इस गांव के किसानों पर जजिया कर लगा दिया था। किसान इस कर्ज को चुका पाने की स्थिति में नहीं थे तो श्रीनाथ बाबा ने इन्हीं लाठियों के बल पर किसानों को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जजिया कर से मुक्त करवा दिया। तब से लाठी पूजा की परंपरा चली आ रही है जहां हजारों गांव से हजारों भक्त अपने हाथों में लाठी लेकर आते हैं और श्रीनाथ बाबा की पूजा करते हैं। बावजूद इसके कोई भी अप्रिय घटना यहां नहीं होती। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। आस मोहम्मद, आप ये बताएं, चूंकि ये हिंदुओं की पूजा है और चूंकि आप एक मुस्लिम वर्ग के हैं, उसके बावजूद भी आप इस पूजा में भाग ले रहे हैं, क्या क्यों? हर साल आते हैं, हमारी च्वाइस है कि हम सब में मिल कर रहे। अच्छा, तो ये बताइए लाठियों से ही क्यों पूजा होती है ना बाबा की? जी जी हाँ, लाठी से पूजा है, सेंगर की पूजा है ना, सिंगर का पूजा, नाथ जी का जो है लाठी से ही पूजा। मतलब इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग? हाँ 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 हाँ, कोई भेदभाव नहीं, मिलके करते हैं सब लोग, हम लोग मिलके करते हैं। जब हिंदुस्तान में रहना है तो सब कुछ मिलके ही करना है। शंकर मान सिंह, गुरु प्रधान रसला बाहरी का रहने वाला हूँ। ये जहाँ पूजा हो रही है ये नाथ बाबा की जन्मस्थली है। यहाँ अनेक मठों पर बारी बारी से लाठी पूजा होती है। बाबा के सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग लाठी पूजा के साथ परिक्रमा अपनी पूरी करते हैं और रोट चढ़ाते हैं। अच्छा, इसका इसकी मान्यता क्या है, जैसे लाठी के बारे में? अब इसकी मान्यता बाबा के सारे लोग अनुयायी हैं, बाबा के बताए गए रास्ते पर सारे लोग अपने घर से निकलते हैं लाठी लेकर के और आपस में लाठी बजा करके सौहार्दपूर्ण अपने घर। मुगलों से इन्होंने गजिया टैक्स लेने से मना किया था, बाद में सुलह सपाट होने के बाद गजिया टैक्स में से नाथ बाबा को टैक्स सरकार आज भी देती है और मुगल साम्राज्य में भी नाथ बाबा को टैक्स सरकार देती थी। शंकर मान सिंह, गुरु प्रधान रसला बाहरी का रहने वाला हूँ। ये जहाँ पूजा हो रही है ये नाथ बाबा की जन्मस्थली है। यहाँ अनेक मठों पर बारी बारी से लाठी पूजा होती है। बाबा के सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग लाठी पूजा के साथ परिक्रमा अपनी पूरी करते हैं और रोट चढ़ाते हैं। अच्छा, इसका इसकी मान्यता क्या है, जैसे लाठी के बारे में? अब इसकी मान्यता बाबा के सारे लोग अनुयायी हैं, बाबा के बताए गए रास्ते पर सारे लोग अपने घर से निकलते हैं लाठी लेकर के और आपस में लाठी बजा करके सौहार्दपूर्ण अपने घर। मुगलों से इन्होंने गजिया टैक्स लेने से मना किया था, बाद में सुलह सपाट होने के बाद गजिया टैक्स में से नाथ बाबा को टैक्स सरकार आज भी देती है
और मुगल साम्राज्य में भी नाथ बाबा को टैक्स सरकार देती थी।